रीवा जिले के नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 2 में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विद्यालय में पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम है। शिक्षक विद्यालय में समय का ध्यान नहीं देते हैं, आए दिन विद्यालय से निर्धारित रहते हैं। इस विद्यालय के शिक्षकों की लापरवाही की पोल तब खुली जब वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद रावेंद्र राय दीक्षित विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां विद्यालय में बच्चे बाहर घूम रहे थे, शिक्षकों का कहीं पता नहीं था। बच्चों से जब पार्षद पूछे कि आपके सर विद्यालय आए हैं क्या, बच्चों ने बोला कि नहीं आए हैं। वहीं कुछ शिक्षक विद्यालय के बच्चों से नशे का सामान भी मंगाने के लिए भेजते हैं, जो कि बच्चों के ऊपर इन सब चीजों का कितना प्रभाव पड़ेगा यह तो आप लोग समझ सकते हैं। विद्यालय के शिक्षकों का लापरवाही पूर्ण रवैया बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से अंधकार की ओर ले जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इन मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने की भी जरूरत है। पत्रकारों से चर्चा में पार्षद रावेंद्र राय दीक्षित ने बताया कि विद्यालय में पूरी तरह से लापरवाही का आलम है। शिक्षक आए दिन विद्यालय से गायब रहते हैं, विद्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। विद्यालय के शिक्षक संपत्ति दुबे बच्चों से नशे का सामान भी मंगाने का कार्य करते हैं, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम सब जानते हैं। विद्यालय में शिक्षा का स्तर पूरी तरह से कमजोर है, इसके जिम्मेदार विद्यालय के शिक्षक हैं। ऐसे मामलों पर प्रशासन को संज्ञान में लेकर लापरवाह कर्मचारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर ऐसे विद्यालयों के लापरवाह कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करते हैं। कौन मंगाता है बेटा स्कूल में तुमसे राशि? संपत सर जी मंगाते हैं। मैं डबौरा नगर परिषद वार्ड 2 का पार्षद हूँ, जिसके चलते हमारे वार्ड में स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय की काफ़ी दिनों से चल रही है, 8वीं तक स्कूल है। इसमें तकरीबन 150 बालक हैं और 6 शिक्षक हैं, और उससे कई दिनों शिकायत आ रही थी हमारे पास कि पढ़ाई नहीं हो रही है और कई अव्यवस्थाएँ हैं। तो वहाँ स्कूल जाकर हम लोग निरीक्षण किया, मैं वो मेरी टीम ने वहाँ देखा कि एक तो शिक्षक समय पर नहीं आते। 10 बजे हम लोग हमारी टीम पहुंच गई तो 11 बजे तक शिक्षक नहीं आए हैं, और उसके बाद जब शिक्षक आए हैं प्रधान अध्यापक जी हैं सुधीर तिवारी जी, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बोला कि मेरी शिक्षक सुनते ही नहीं है। उसके बाद स्कूल का हमने निरीक्षण किया तो स्कूल में कई क्लास में पानी भरा है, कोई बच्चों से शिकायत आ रही तो बच्चों से राशि मंगाते हैं, पाँव भिजवाते हैं, और उसका निरीक्षण करके हम लोग चले आए। उसके बाद मीडिया में जहाँ जहाँ था उन्होंने बात करी, और आज जो शिक्षा का संपर्क दुबे नाम थे जी, जो हमारी टीम गई थी, जो अभिभावक गए थे हमारे साथ, उनके घर जाकर उनको धमका रहे थे कि तो हमारे स्कूल में कैसे आए, हमारे स्कूल में क्या किया, ये सब तरह की बातें कर रहे थे। तो मेरा जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा अधिकारी जितने भी अधिकारी, उनसे ये पूछना है कि आपने पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे हैं कि ददुआ गैंग के खूंखार आदमी रखे हैं? ददुआ गैंग तो ख़त्म हो गई, तो एक बार आप क्या शिक्षक के नाम पे गैंगवार करना चाहते हैं हमारे डबौरा बस्ती में? मेरा अधिकारियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण की कार्रवाई करें, अन्यथा स्कूल में अभिभावकों के साथ हम लोगों को अनशन बैठना पड़ेगा।